इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। राहुल गांधी स्पष्ट और सही रूप से बोलते हैं, वो लोगों के, जनता जनार्दन के न्यायालय में, उनके दरबार में बोलते हैं, और उन्होंने कोई गलत न कहा है न कहेंगे, लेकिन अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। उनके पीछे पड़ना, उनको कभी ट्रोल करना, उनके संसद में बोलने से पहले प्री कंडीशंस रखना, संसद को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अवरुद्ध करना, उनकी सदस्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाना, उनको प्रिविलेजियस कमिटी से डराना धमकाना, इस किसी से कुछ फर्क न पड़ा है न पड़ेगा, न राहुल गांधी को न कांग्रेस पार्टी को। जो उनके कानूनी अधिकार क्षेत्र हैं, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र हैं, उन सब का वो प्रयोग करते रहेंगे। और इस जरिए जो चिंता दिखा रहे हैं माननीय मोदी जी, बीजेपी सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी, वो सिर्फ एक चीज दिखा रहे हैं, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, घबराहट और बौखलाहट व्यक्त कर रहे हैं इस प्रकार के हटकंडों से, न कि राहुल गांधी के जनहित में पूछे गए इतने सारे अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देना। भ्रष्टाचार से संबंधित बहुत पैनी दृष्टि से पूछे गए प्रश्न इत्यादि।